आपका नाम डॉक्टर चौधरी है ना? आप ही तो हमारी बिल्डिंग के गिरने पर आए थे। मैं आपसे ही मिलने के लिए आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आज जो कुछ भी हुआ उसमें आप किसी को ये ना बताएं कि बिल्डिंग के मालिक या फिर केयर टेकर की लापरवाही की वजह से ये हादसा हुआ है। आप जैसा कह रहे हैं मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ, मगर मेरी एक शर्त है। आपको CCTV फुटेज न्यूज चैनल में देखकर ये साबित करना होगा कि जिन लोगों की जान गई है वो उस लड़के के गलत इलाज की वजह से गई है जो वहां पर मौजूद था, ना कि डॉक्टर की लापरवाही की वजह से। अगर आप सारे इल्जाम उस पर लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं तो मैं भी किसी से कुछ नहीं कहूंगा। ये सुनकर दत्ता भाव के चेहरे पर भी एक बेहद बड़ी मुस्कान आ गई। आखिर वो इसी मौके की तलाश में था। वहीं दूसरी तरफ राघव की लोगों की मदद करते हुए वीडियो वायरल हो गया, मगर कुछ लोगों को राघव का बिहेवियर अच्छा नहीं लगा, इसीलिए उन्होंने उस वीडियो को तोड़ मरोड़ कर वायरल कर दिया, जिसमें ऐसा लग रहा था जैसे राघव उन लोगों की मदद करने के बजाय उन लोगों को परेशान कर रहा हो। और ये वीडियो जल्दी ही राघव की सास गीता अग्रवाल तक भी पहुंच गया। उन्होंने इस वीडियो को देखते ही गुस्से में कहा, पता नहीं ये राघव हमारा पीछा कब छोड़ेगा, आखिर ये लड़का चाहता क्या है। बस अब ये वीडियो देखकर स्नेहा को अकल आ जाए और वो इस लड़के को छोड़ दे, तभी जाकर मुझे थोड़ा चैन पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ जब उस बिल्डिंग में जहां एक्सीडेंट हुआ था वो खाली हो गई और सारे मजदूरों को अस्पताल ले जाया गया, तब राघव ने स्नेहा के पास जाकर कहा, चलो वापस क्लिनिक चलते हैं, मुझे भी थोड़ा फ्रेश होना है और तुम्हें भी मुझसे कुछ बात करनी थी। आज उसने जब राघव को लोगों की मदद करते हुए देखा तो उसके मन को बेहद खुशी मिली। वो दोनों उस मॉल के सामने पहुंच गए थे जहां क्लिनिक थी और स्नेहा वहीं बाहर खड़े सोच रही थी, आखिर अब मैं राघव से वो शर्त पूरी करने के लिए कैसे कह सकती हूँ। वो सब लोगों की इतनी फिक्र करता है और इस क्लिनिक के जरिए भी वो लोगों की मदद ही तो करना चाहता है, ऐसे में उसे इस क्लिनिक को बंद करने के लिए कहना गलत होगा। स्नेहा की राघव से कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो अभी ये सब सोच रही थी कि राघव की बात का क्या जवाब देगी, तभी क्लिनिक के बाहर गाड़ियों का एक काफिला आकर खड़ा हो गया। स्नेहा और राघव ये सब देखकर चौंक गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये इतनी सारी गाड़ियां हैं किसकी और कौन आया है यहाँ पर। तभी पहली गाड़ी से दत्ता भाव उतर कर बाहर निकले। वो तुरंत आगे बढ़कर उसके और स्नेहा के बीच में आकर खड़ा हो गया। तब जाकर दत्ता भाव ने तुरंत अपनी नजरें चुराई और हड़बड़ाते हुए राघव की तरफ देखा और गुस्से में कहा, ए हीरो तू चल मेरे साथ। ये सुनकर राघव और स्नेहा हैरान हो गए और उन्होंने एक दूसरे की शक्ल देखते हुए उससे पूछा, चल लेकिन कहाँ और क्यों और तुम हो कौन। इस पर दत्ता भाव ने गुस्से में कहा, मैं दत्ता भाव हूँ, मैंने कहा इसलिए चल मेरे साथ। राघव काफी नाराज हो गया और उसने गुस्से में कहा, तुम्हें यहाँ खड़े होकर जितना भी चिल्लाना है चिल्ला लो, लेकिन मैं तब तक तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रहा जब तक तुम मुझे ये नहीं बता देते कि मुझे तुम्हारे साथ क्यों चलना है। दत्ता भाव ने अपना कान साफ करते हुए कहा, वो जो पीछे की बिल्डिंग गिरी है ना, उसकी सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है और अभी अभी हमें पता चला है कि उसमें जो मजदूर मारे गए हैं वो तेरी गलती की वजह से मारे गए हैं। तुझे तो हमारे साथ चलना ही होगा, नहीं तो यहाँ पुलिस आएगी, हंगामा होगा, तेरा भी नाम खराब होगा और मेरा भी नाम खराब होगा, इसलिए बेहतर होगा कि तू हमारे साथ चल और इस बात को यहीं के यहीं खत्म कर दे। दत्ता भाव की ये बात सुनकर स्नेहा और राघव के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उन दोनों को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। दत्ता भाव के चेहरे की हंसी और भी ज्यादा बढ़ गई और उन्होंने तुरंत अपना फोन निकालकर राघव को एक वीडियो दिखाया, जिसे देखकर उसके होश उड़ गए। वीडियो को रिकॉर्ड करने का एंगल और उसका तरीका कुछ इस तरह का था जिससे राघव किसी हीरो की तरह नहीं बल्कि विलन की तरह सामने आ रहा था। उस वीडियो को देखकर राघव की आंखें फटी की फटी रह गईं और उसने काफी मुश्किल से कहा, ये वीडियो, ये मैं। दत्ता भाव ने हंसते हुए कहा, मैं ये वीडियो, ये वो, अब क्या हुआ बेटे, अब तेरी बोलती कैसे बंद हो गई, अब बता तू अपनी सफाई में क्या बोलेगा, ये वीडियो पूरे देश में वायरल हो चुका है। राघव को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था, वो तो बस लोगों की मदद करना चाहता था, मगर उसके साथ सब कुछ गलत होता जा रहा था।
इतना कहकर उन्होंने राघव के कंधे पर हाथ रखा और उसे अपने साथ चलने के लिए कहा। राघव अभी भी सोच में डूबा हुआ था कि आखिर उसके साथ ये सब हो क्या रहा था। वहीं दूसरी तरफ स्नेहा सब कुछ समझ चुकी थी। उसने अपने मन ही मन में सोचा, मैं इस आदमी को इसके प्लान में कामयाब नहीं होने दूंगी, फिर चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े, मुझे ये सब रोकना ही होगा। राघव निर्दोष है और उसे कोई सजा नहीं मिलनी चाहिए। इतना कहकर स्नेहा तुरंत आगे आकर खड़ी हो गई और गुस्से से दत्ता भाव को घूरने लगी। उसे इस तरह से सामने आते देख राघव ने कहा, तुम क्या कर रही हो स्नेहा, जाओ अंदर जाओ, मैं ये सब कुछ संभाल लूंगा। उसने अपनी नजरें हटाए बिना राघव की बात का जवाब तेज आवाज में दिया, राघव शायद कोई और इस इंसान की बातों में फंस सकता है, लेकिन मैं सब कुछ समझ गई हूँ। मैं समझ गई हूँ कि इसका असली प्लान है क्या। ये सुनकर राघव और दत्ता भाव दोनों हैरान हो जाते हैं। राघव ने स्नेहा की तरफ देखा और पूछा, क्या मतलब, क्या समझ गई हो तुम। स्नेहा ने अपना चेहरा घुमाकर राघव की तरफ देखा और जवाब दिया, वही जो सच है राघव। मुझे ऐसा लग रहा है कि बेशक उस बिल्डिंग का गिरना हादसा ही है, लेकिन इसी के साथ ये सब किसी ना किसी इंसान की लापरवाही की वजह से ही हुआ है, और उस बिल्डिंग का केयरटेकर होने के नाते ये जिम्मेदारी दत्ता भाव की होती है। सब लोग दत्ता भाव को ही जिम्मेदार ठहराएंगे, और अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए ये सारा इल्जाम तुम्हारे सर डालना चाहता है, ताकि कोई ने कुछ ना कहे और सब लोगों का ध्यान सिर्फ तुम पर चला जाए। वहीं दूसरी तरफ दत्ता भाव अपनी असलियत सामने आते ही आग बबूला हो उठे। उन्हें डर था कि कहीं उनकी सच्चाई सब लोगों के सामने ना आ जाए। आखिर अब आगे क्या होगा, क्या राघव को ये जिम्मेदारी लेनी होगी या फिर दत्ता भाव की सच्चाई सब लोगों के सामने आ जाएगी। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए एक लाचार दामाद से सुपर दामाद बनने की कहानी शो सुपर जमाई में।